पावर बटन, सबसे पहले पावर बटन को प्रेस किया, ठीक है, ऑन होते ही सबसे पहले जो स्टार्टअप में जो टाइम रहता है वो ले लेगा, ये ऑन हो जाएगा अपने नॉर्मल, ठीक है। जब तक ये ऑन नहीं होता तब तक कोई किसी भी बटन में अपने को छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। हो सकता है कभी बार चलने के बाद थोड़ा सा डिले भी, जैसे ये है ना, कभी बार 10-15 सेकंड भी ले लेता है, तो उस पर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जैसे ये चल जाएगा तो ये जैसे लाइट एक ग्लो ओवर रही है, सबसे पहले बटन्स का मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर से यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर जो एक लाइट ब्लिंक कर रही है ये है आपके वायरलेस नेटवर्क सेटअप के लिए, जो राउटर से आप कनेक्ट करते हो उसके लिए, ठीक है। और नॉर्मल अगर आपने मोबाइल से या लैपटॉप से वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू अगर आपको प्रिंट देना है तो ये जो अगर बटन अपन प्रेस करेंगे ये जो लाइट है बंद हो जाएगी। यहाँ पर जो सिंबल आ रहा था वाईफाई का वो बंद होकर यहाँ पर सिंबल आएगा जो कि होगा वाईफाई डायरेक्ट का, लैपटॉप से और मोबाइल से बंद करना है, ठीक है, वाईफाई डायरेक्ट का है, ठीक है। तो ये करते ही यहाँ पर सिंबल आ गया, ये जो है सिंबल आपके है वाईफाई डायरेक्ट का, ठीक है। इसके बाद इसमें जो नंबरिंग कर रखी है, नंबरिंग 1, 2, 3, 4 जो भी है वो आपकी कितनी कॉपीज निकालनी उसके लिए है। आप यहाँ से बढ़ा सकते हो उसके नंबर और यहाँ से जो है घटा सकते हो, ठीक है। सेंटर वाला जो बटन है वो प्रेस करते हैं, यहाँ पर जो है जो आप फोटोकॉपी जो भी आप निकाल रहे हो उसको कितना लाइट रखना है या डार्क रखना है उसकी सेटिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और ओके हो जाने के बाद वापस सेंटर वाला जो बटन है वो उसको आप प्रेस कर दोगे, 3 डॉट वाला, ठीक है। ये जो है नॉर्मल उसको सेट हो कर लेगा। ये जो ऑप्शन है नॉर्मल फोटोकॉपी करने के लिए है, कोई भी अगर आपको फोटोकॉपी करनी है किसी भी पेज की खाली कागज चाहिए तो जो है ये फोटोकॉपी कर लेगा, ठीक है। जैसे अपन ने ये पेज रखा यहाँ पर, ठीक है, और ये बटन दबाएंगे, ठीक है। अभी अगर कोई काम नहीं करेंगे, जैसे अपन ने थोड़ी देर कोई काम नहीं किया तो प्रिंटर में कोई जैसे लाइट ये जो है हल्की सी जल रही है, इसके अलावा कोई लाइट नहीं जल रही, ये जो है स्लीप मोड में चला जाता है ताकि आपकी जो है पावर की बचत हो सके। कोई भी एक सिंगल बटन दबाने पर जो है वापस से ये है ऑन हो जाएगा, स्टैंड बाय मोड से जो है वापस ऑन हो जाएगा, पावर ऑन हो जाएगा। ये जो है नॉर्मल फोटोकॉपी के लिए ये बटन अगर आप प्रेस करोगे तो ये जो है फोटोकॉपी देगा। ये जैसे लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये अगर प्रिंट को अगर कैंसिल करना है तो उसके लिए अपन ये बटन दबा देंगे। अभी जो है जैसे नॉर्मल फोटोकॉपी आ रहा है, अगर आपको पेज को होल्ड करना है ये जो है ट्रे जो है बाहर निकल जाएगी, इस वजह से नॉर्मल जो है फोटोकॉपी आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल फोटोकॉपी आने के बाद अगर आपको फोटोकॉपी जो है पूरा पेज का नहीं लेना है और आपकी जो आईडी वगैरह है, जैसे मान लो आधार कार्ड हो या कोई भी जो आपको प्रिंट देना है, अगर आपको प्रिंट देते हो तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, ये वाला बटन काम आएगा, ठीक है। उसके लिए अपने को आईडी कॉपी करनी है, मान लीजिए मेरे पास एक आईडी है, जैसे आपको कोई आधार कार्ड या कोई भी वोटर आईडी जो भी आपको फोटो कॉपी करनी है तो दोनों साइड से करनी है। जैसे आपने एक बार यहाँ पर रखा और इसको जैसे बंद किया और ये जो बटन है इसको आप प्रेस करोगे, ठीक है। ये प्रेस करते यहाँ पर P1 लिखा हुआ आ रहा है, अभी आ गया P2 और यहाँ पर भी लाइट ब्लिंक करगी, यहाँ पर भी करगी और यहाँ पर ये सिंबल यानी कि अपने को स्कैनर को ऊपर उठा, अभी तक इसने कोई पेज नहीं लिया है, इसको जो है यहीं पर जो है अपन उल्टा कर देंगे, ठीक है, वहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है। इस बटन को अपने को प्रेस करना है दोबारा, जब भी करेंगे P2 में इस बटन को प्रेस करेंगे तो अब जो ये पेज ले लेगा, एक ही बार में पेज लेने के बाद ये जो फोटोकॉपी इसकी निकाल देगा, ये आईडी कॉपी के लिए, ठीक है, ताकि आपको पेज जो है दो बार नहीं लगाना पड़े, बाकी नॉर्मल फोटोकॉपी कॉपी के लिए ये बटन इससे जो है इस तरह से जो है प्रिंट दे देगा, ठीक है। ये हो गया आईडी कॉपी का। ये जो बटन है ये बटन काम आएगा आपके प्रिंटर्स की जो प्रिंटर की जो डिटेल होती है, ठीक है, वो अगर आपको निकालनी है तो आप जो है आई बटन से इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकते हो। इस बटन को जैसे अपन प्रेस करेंगे ये जो है एक प्रिंटआउट निकालेगा जिसके अंदर कितने प्रिंट वगैरह ले रखे हैं, वाईफाई, जैसे अभी अपन ने वाईफाई डायरेक्ट कर रखा है तो वाईफाई डायरेक्ट अनेबल आएगा और वाईफाई डायरेक्ट का जो पासवर्ड है वो भी जो अपने को शो हो जाएगा, ठीक है। जब मोबाइल में या लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे ना तो इसके जो है वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसका वाईफाई नेटवर्क का SSID का नाम और पासवर्ड जो इस पेज में आता है प्रिंट आउट होकर, इसमें आता है वो सर। ये रहा वाईफाई डायरेक्ट अनेबल्ड है यहाँ पर, और ये जो है वाईफाई डायरेक्ट SSID का नाम जो है इस जगह पर आता है, ठीक है। जैसे ये नाम आ गया तो मोबाइल में जैसे वाईफाई अपन सर्च करेंगे तो इस ये नाम आएगा, इसको अपने को कनेक्ट करवाना चालू करना पड़ेगा वो बटन वाईफाई करते जी। उसके बाद जो वाईफाई से जैसे कनेक्ट करवाएंगे तो ये जो पासवर्ड है पासवर्ड पूछेगा, ये पासवर्ड डालने, इनकेस कभी पिन पूछ ले तो पिन जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ दे रखा होता है, तो वहाँ पर पिन की जगह पर अपन सिक्योरिटी ऑप्शन चेंज करके वापस पासवर्ड का भी दे सकते हैं, अगर आपको पिन वगैरह में कोई गड़बड़ लगती है तो, ठीक है। तो यहाँ जो है
पासवर्ड लगाते ही जो अपना मोबाइल वगैरह में कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए मोबाइल में जो दो एप्लीकेशन अपने को इंस्टॉल करनी पड़ेगी एंड्रॉयड वगैरह के लिए, ठीक है। एक एप्लीकेशन जो है HP प्लगइन सर्विसेज, प्रिंट प्लगइन सर्विसेज जो आती है, ठीक है, वो काम आएगी आपके मोबाइल और प्रिंटर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। और HP स्मार्ट जो है प्रिंटर को उस मोबाइल में ऐड कराने के लिए, ताकि प्रिंटर की जो इन्फॉर्मेशन आप ले सको कि कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, कितने पेज आपने दे रखे, स्कैन वगैरह कराना हो, इसके बाद आप वो HP स्मार्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से मिल जाएगी। वायरलेस जो है वो अपन ऑफ कर रखा है, तो वायरलेस स्टेटस जो है वहाँ पर अपने को ऑफ दिखा रहा है। वाईफाई अनेबल, वाईफाई डायरेक्ट जो अपन ने अनेबल कर रखा है, तो यहाँ पर ये अनेबल आ रहा है और ये ID पास आ गया, ठीक है। अब मोबाइल से अगर अपने को प्रिंट देना है इसमें दोनों, तो मोबाइल में जो है अपने को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी HP स्मार्ट, ठीक है। दो एप्लीकेशन जो है, एक तो HP स्मार्ट और एक HP प्रिंट सर्विस प्लगइन, ठीक है। दोनों एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, ठीक है। HP प्लगइन सर्विसेज जो है इसको ओपन करते हैं, इसमें जो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसको सबको आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है, क्या सीधा आप HP स्मार्ट में चले जाओगे, ठीक है। HP स्मार्ट में सीधा HP स्मार्ट में आगे, यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है बता रहा है, ठीक है। इसको कनेक्ट करवाने के लिए अपने को वाईफाई ऑन करना है, ठीक है। वाईफाई जैसे ऑन करेंगे, वाईफाई में जाके इस प्रिंटर के जो वाईफाई है उससे अपने को कनेक्ट करवाना है। नाम अपन जो है यहाँ पर चेक कर लेंगे, धीरे धीरे चले है ये, जैसे ये प्रिंटर है, ये नाम आ रहा है, इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड अपने को जो है यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो पासवर्ड जो है अपन यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। पासवर्ड रहेगा अपने यहाँ पर जो भी इसमें है, हर एक प्रिंटर के लिए अलग अलग आता है, हवा से उड़ रहा है। और ये अपन ने इसको कनेक्ट करवा दिया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो है कनेक्ट हो गया है, और अपने को कीप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेट तो चलने वाला है नहीं प्रिंटर से। ये बटन बंद किया, चालू किया अपने वाला, ये अपन ने बंद कर रखा है, बंद करके रखेंगे तो ही कनेक्ट होगा, बिल्कुल। वायरलेस जो ऑप्शन उसको बंद करना है, वो बंद करते ही जो ये वाईफाई डायरेक्ट में आ जाएगा। अगर ये चालू है तो किससे कनेक्ट होगा, ये अगर लाइट चालू है वायरलेस कनेक्शन के लिए, आपको जो राउटर वगैरह है उससे अगर आप नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हो, इसका भी यूज नहीं है, लैपटॉप से करें, ठीक है। ठीक है, ये हो गया है। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन है, फिनिश सेटअप में अगर अपन आ जाते हैं, आपको रेडी बता दिया है। फिनिश सेटअप में जो है ये नेटवर्क के साथ ही कम्युनिकेट करता है, तो अभी अपन इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अगर कुछ ले लेता है तो आगे बढ़िया बात है, बाकी जो है अपन आगे प्रोसेस करेंगे नेट, ये वायरलेस जो अपन सेटअप करते हैं उसके लिए काम आता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन ने ये आपका प्रिंटर कनेक्ट हो गया, तो इसने बता दिया है रेडी अगर आ रहा है तो इसका मतलब प्रिंटर आपका कनेक्ट है, मोबाइल से बता रहा आपको यहाँ पर। इसके बाद जो है मोबाइल में कोई भी आप प्रिंट आउट वगैरह देना चाहो दे सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई फ़ोटो वगैरह, ठीक है, दे सकते हो, तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, सब देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने को जो है सीधा जो है अपने को शेयर ऑप्शन में जाना है, ठीक है। आपको किसी को सेंड फाइल करते हो या शेयर ऑप्शन जो भी आता है, वहाँ पर जाने के बाद आपको HP प्रिंट सर्विसेज आ जाएगा, ठीक है, HP प्रिंट सर्विस प्लगइन, ठीक है। यहाँ पर अपन जैसे आएंगे, यहाँ पर जो अपने को प्रिंटर शो हो जाएगा जब अपन इसके वाईफाई से कनेक्ट होंगे, अगर वाईफाई से कनेक्ट नहीं होंगे तो ये जो है नाम नहीं आएगा, ठीक है। ये अपन ने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपको प्रिंट प्रीव्यू बता रहा है किस तरह से ये प्रिंट देगा, यहाँ पर जो है नंबरिंग कर रखी है, अगर आपको प्रिंट की जो कॉपी बढ़ानी है 1, 2, 3, 4 जितने चाहे आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन अपने को आएगा नहीं। इसके अलावा A4 साइज़ की इसमें जो है पेज लगते हैं, तो वो भी अपन सेट चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपका पेज जो है बाहर जा रहा है प्रिंट आउट से, ठीक है, तो यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाके
यहाँ पर अगर फिल टू पेज होता तो फिल टू पेज अपन कर देंगे तो पेज के अंदर अंदर यानी कि साइड में जो हल्की सी जगह यहाँ से इतनी सी जगह छूट जाएगी और उसमें जो है ये प्रिंट दे देगा। ये कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इसको सेलेक्ट किया अपन ने, ये जो है इसके थ्रू प्रिंटर में जो है कमांड जाएगा, यहाँ से जो प्रिंटर एक प्रिंट दे देगा जो भी अपन ने यहाँ से सेंड किया है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि प्रिंटर जो है स्टैंड बाई मोड से नॉर्मल ऑन मोड में आ गया और ये जो है प्रिंट आउट दे रहा है, कौन सी जो अपन ने मोबाइल से निकाली है, ठीक है, जो मोबाइल में है एज इट इज इसने प्रिंट दे दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई, वीडियो बंद कर दो।